हेलो दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट जो 4 तारीख को आपका पहला शिफ्ट हुआ था उसके रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। जो आपका 61 से यहां पे रीजनिंग शुरू था इस पेपर में, ये जो सेट है आपका बी ए सेट है, इसमें आपका सिंपल सा क्वेश्चन था कि मिलियन का कोड जो है किया गया है, इसमें देखिए क्या हुआ, सिर्फ इंटरचेंज हो गया पोजिशन आपका, आई यहाँ हो गया है, एम यहाँ हो गया है, डबल एल ए दोनों चेंज हो गए हैं पोजिशन, तो उसी हिसाब से हिल्टन का बताना था कि पोजीशन क्या होगा कोड। तो यहाँ से आई हो जाएगा और यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ एल हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 62, इसमें क्या है आपका कि जो क्लॉक दिया है इसमें बोल रहा है कि जो आपका यहाँ का लास्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर हो गया है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो गया, इसका लास्ट लेटर हो गया। वैसे ही इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, तो ए और आर, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपसे बोल रहा है कि ए जो है कोड किया गया है 2 से, मतलब ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो इसका डबल कर दिया गया, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है तो इसका डबल कर दिया, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है तो इसका डबल कर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है 12, 10 और 10 और 8 का क्या होगा। तो आप जानते हो 12 किसका डबल है वैल्यू 6 का, और 10 कितका है 5 का, तो ये 5 का ये 4, तो इस पे क्या क्या आता है, इस पे एफ आता है, इस पे ई आता है और इस पे डी आता है, तो फीड होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अब इसमें है कि सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग है, इंडस का कोड किया गया है 03865, टेनिस का ये किया गया है, स्टूडेंट का पूछ रहा है, तो आपसे जो स्टूडेंट में जितने वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं इसी में आपका मिला हुआ है, तो उसी से हमारा आंसर हो जाएगा। जो एस है उसका कोड क्या है देख लीजिए, जो सामने सामने एस का 5 है तो 5 से शुरू होना चाहिए, तो आपका सी ही ऑप्शन शुरू हो रहा है 5 से, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपका है टी एच ई एन, अब इसमें ये कितने का आता है, 20 में आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, 14 पे आता है, और आर एल बी एस ये कितने पे आएगा आपका, 18 पे, ये 12 पे, ये आपका 2 पे और ये 19 पे, तो यहाँ कितना हुआ -2, ये कितना हुआ 8 से 12 +4 और 5 से 2 -3 और ये कितना है 14 से 19 +5। तो सेम ऐसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कोड होगा, आपका मेन वाला पूछ रहा है, ए ई पी जे है, तो किस कोड को ऐसे कोड किया जाए कि ए ई पी जे बन जाए। तो बस जो जो यहाँ पे है कि यहाँ पे पहले -2 हो रहा है, +4 हो रहा है और उसके बाद से -3 हो रहा है, तो जहाँ जहाँ माइनस हो रहा है तो हमें अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो हम जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ प्लस कर देंगे और जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस कर देंगे, तो ए की वैल्यू होती है 1, तो उस 1 पे हम 2 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सी पे पहुँच जाएंगे, और आपका ई की वैल्यू कितनी होती है 5, यहाँ +4 हो रहा है तो हम -4 करेंगे, तो -4 करेंगे तो हम ए पे पहुँच जाएंगे, और 16 होता है पी की वैल्यू, और इसमें -3 हो रहा है तो हम +3 करेंगे, तो 16 3 19 एस पे पहुँच जाएंगे, और ये 10 होता है जे की वैल्यू, इसमें +5 हो रहा है तो हम -5 पे जाएंगे, तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे, ई पे पहुँच जाएंगे, तो केस हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बोल रहा है कि इस वर्ड को अरेंज करने से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो इसमें होगा सुगर SUGAR, तो आपका क्या है एस पहले आया है तो 5 वाला, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67, इससे बोल रहा है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है आपका, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, यही वर्ड बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 68, अब इसमें जो बोल रहा है आप देखिए, इसमें बोल रहा है कि आपका 68 में छठवां लेटर कहाँ से, राइट से, दोनों एंड से बोला है, राइट से छठवां लेटर, और कौन सा लेटर है 14 लेटर, तो छठवां यू होगा और 14th होगा एम, लेफ्ट से कौन सा बोला है, लेफ्ट से आपसे बोला है कि पाँचवां लेटर, तो ई होगा पाँचवा लेटर, और कौन सा बोला 20वां लेटर बोला है तो टी होगा, तो इससे बनने वाला वर्ड क्या होगा, म्यूट होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें देख लेते हैं कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा कि एम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्सनालिटी, इसमें बोल रहा है कि आप इसके थर्ड लेटर को, ठीक है, उसके बाद से फोर्थ लेटर को, तो थर्ड लेटर कौन सा है हमारा, थर्ड लेटर है आपका आर, फोर्थ कौन सा है एस, फिफ्थ कौन सा है ओ, और सेवन कौन सा है ए, 10वां कौन सा है आपका टी, तो इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, उसका लास्ट लेटर बनाना है, तो इसका आपका रोस्ट बनेगा, तो इसका लास्ट लेटर क्या है टी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कैटेगराइजेशन इसमें दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि आप इन इन इसमें से वर्ड को कौन कौन सा, फोर्थ वाला आपको उठाना है इसका, तो फोर्थ कौन सा होगा इसका, ई होगा। उसके बाद सेवेंथ क्या होगा, आर होगा। इलेवेंथ क्या होगा, टी होगा। थर्टींथ क्या होगा, ओ होगा। इन सबको मिला के कौन सा आपका वर्ड बनेगा, एक तो बनेगा आर ओ टी ई और दूसरा क्या बनेगा इसमें, टी ओ आर ई। ठीक, तो आपका ये दो वर्ड बनेंगे, तो इसमें से हम कहेंगे कौन सा आपका सही होगा। इसमें दो बन रहे हैं तो हम कहेंगे ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर बनते हैं तो ऑप्शन आपको क्या मारना है, एम मारना है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, 3 से 2 -1 हुआ है, इसमें +5 हुआ है, तो फिर -1 होगा, फिर +5 हुआ है तो फिर -1 होगा, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला 72 पे बढ़ते हैं, इस सीरीज को देखते हैं। 29 से 23 कितने का गैप है, 6 का गैप है, मतलब -6 हुआ। उसके बाद से कितने का हुआ, 23 से 18, 5 फिर 4, तो अगला कितना होगा, 3 का -1 होगा, तो -3 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ऑप्शन सी पे 11 इसका सही होगा इस सीरीज का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है 2 × 5 तो 10 हो गया, 10 × 4 तो 14 हो गया, 14 × 3 तो 120, 120 × 2 तो क्या हो जाएगा, 240 आपका आंसर सही होगा, फिर 240 × 1 जो 240 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 अल्फाबेटिक सीरीज है। इसमें देखिए, डी आपका 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो अगला क्या होगा, सब पे 5 5 का गैप है, +5 +5, तो आपका एन से +14 में +4 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 19 पे, तो ऐसा आ जाएगा। वैसे लास्ट वाले में देख लेते हैं, बी आपका है, उसके बाद से कौन सा है, जी आपका है, उसके बाद एल है, तो सब में 5 5 का गैप है, तो एल से 5 गैप चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 17 पे पढ़ेंगे, 12 होता है ये, 5 जोड़ देंगे तो 17 पे, तो 17 पे क्या आता है, क्यू, तो पहला लेटर एस होना चाहिए, लास्ट लेटर क्यू होना चाहिए, किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो 74 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेट आपका है सी, देखिए इसमें प्लेस वैल्यू दिया है, सी का 3 दिया है, ई का 5 दिया है, जी का 7, आई का 9, और एक एक वर्ड छूट गया, सी के बाद डी छूट गया है, ई के बाद एफ छूटा है, जी के बाद एच छूटा है, आई के बाद जे छूटा है, तो हमारा के से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद कंक्लूजन दिया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी, कि कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें भी बोला है कि आपका कथन दिया हुआ है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसमें आपका जो होगा, सिर्फ जो है बोला है कि पहली कथन सही है, नहीं, इसमें जो बोला है पहला कि समाचार पत्रों के बिना आपका जो है करंट अफेयर नहीं तैयार किया जा सकता है, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, तो सिर्फ सेकेंड सही होगा इसका, इसका जो है आपका आंसर होगा वो सेकंड सही होगा, बी वाला सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78, ये भी एक पैसेज दिया हुआ है विद्यालय पे रिलेटेड, आप इसे पढ़ लीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 क्वेश्चन, ये भी आपका एक शिक्षा से रिलेटेड पैसेज है, इससे आपसे कॉन्क्लूजन पूछा है कि इसका कॉन्क्लूजन क्या होगा, अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा शिक्षा का जो है लाभ नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे, 80 पे आपको ऑड वन आउट बताना है, तो इसमें आपका ऑड वन आउट क्या होगा, ए होगा, यूनिवर्स, बाकी सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका 81 है, इसमें आपका ऑड वन आउट क्या होगा, इसमें आपका मैंगूज ऑड वन आउट होगा, क्योंकि ये रोटेन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला आपका 82, इसमें बोला है कि आपका ऑड वन आउट क्या होगा, सभी करेंसी है मगर ये कॉर्टस जो है करेंसी नहीं है, असेंबली है पुर्तगाल की, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन ए जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 के बाद 83 पे आते हैं, इसमें आपका डिजीजेस से रिलेटेड है, तो इसमें आपका सेलुलाइटिस जो एक डिसीजेज है, जो स्किन डिसीजेज है, ऑड वन आउट होगा, बाकी सब आँखों में आपकी बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट से ही है, ईयर, लेग, हार्ट, किडनी और हैंड, इसमें पेयर से रिलेटेड आपके सभी दो दो पेयर होते हैं, बस हार्ट का नहीं दो पेयर होता है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 85 पे आते हैं, इसमें आपसे बोला है कि 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 50 लोग आपके ट्री प्लांटिंग के लिए जाते हैं और 70 लोग आपका क्लीननेस के लिए जाते हैं, तो आपका दो आपका डायग्राम बनाइए, इसमें से ये आपके प्लांट के लिए जा रहे हैं और ये आपके क्लीननेस
क्लीननेस के लिए जा रहे हैं, तो अब इसमें बताते हैं कि 50 लोग प्लांटिंग के लिए जा रहे हैं और 10 लोग किसी के लिए नहीं जा रहे हैं, 10 लोग को कोई काम पसंद नहीं है, तो टोटल 100 स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास बचे 90। अब इसमें देख लेते हैं, तो अगर हम मान लें कि दोनों कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दोनों काम पसंद है, तो एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा क्लीन के लिए 70 माइनस एक्स। तो इनको किसके बराबर रख देंगे, 90 के बराबर, 15 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक, प्लस एक्स बराबर 90। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 120, ये एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 90 इक्वल टू एक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें से डाइस नहीं बन सकता। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है आपका पाँच जो होगा ये डार्क सर्कल के अपोजिट होगा, एक जो होगा डार्क स्क्वायर के अपोजिट होगा, और ये व्हाइट वाला स्क्वायर चार के अपोजिट होगा। तो अपोजिट वाले कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो देखिए, पाँच और सर्किल, डार्क सर्किल एक साथ आ गया है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 86 के बाद हम आते हैं 87 पे, जो आपका मैप क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से इसका आंसर निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह 88 भी है, इसमें पॉइंट जो है क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, स्कैन होके पेपर आया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें डाइस से रिलेटेड है और पूछ रहा है कौन सा आपका नहीं बनाया जा सकता। इसमें कॉन्सेप्ट पिछले बार वाले से अलग है, इसमें हम देखेंगे रोटेशन करके कि कौन सा इसमें नहीं बन सकता है। जैसे ऑप्शन ए को देखते हैं, यहाँ पे आपका डार्क स्क्वायर है, यहाँ फोर है और यहाँ पे व्हाइट वाला स्क्वायर है। तो इसमें अगर चलेंगे हम ऐसे डार्क वाले से, तो ये क्लॉकवाइज में पड़ेगा। अगर मेन डायग्राम में चलें, देखिए डार्क से चलें तो डार्क के बाद फिर फोर, फिर ए व्हाइट वाला स्क्वायर, तो दोनों में सेम चीज़ आ रही है। डार्क के बाद आपका फोर आ रहा है, फिर व्हाइट वाला स्क्वायर आ रहा है, और सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ये आपका ए वाला ऑप्शन तो बन सकता है। उसमें बोला है कि कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपको जब देखेंगे तो वाई आपका जहां जो है, ऑप्शन बी में ये डार्क वाला सर्किल है, डार्क वाले सर्किल से अगर चलना स्टार्ट करें, डार्क के बाद फोर फिर व्हाइट वाला, ये कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। अगर यहां पे भी क्लॉकवाइज में चलें डार्क से, तो डार्क फोर फिर फोर आएगा, मतलब डार्क के बाद आपका व्हाइट वाला स्क्वायर आएगा, फिर फोर आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले फोर आ जा रहा है, मतलब यहाँ आपका जो सीक्वेंस इसमें चलना चाहिए वो सीक्वेंस इसमें नहीं चल रहा है, बी ऑप्शन में। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं बन सकता, ऑप्शन इसका बी सही होगा कि ये डाइस जो है नहीं बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 90, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। इसमें बोला है सर्किल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, स्फेयर और क्यूब। तो सर्किल से हमारा स्फेयर बन सकता है, तो वो क्यूब किससे बनेगा, तो स्क्वायर से बनेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो आपके ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का पूरा सॉल्यूशन था रीजनिंग का। अभी अभी आपसे हम मिलेंगे सेकंड सॉल्यूशन पेपर के, जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।